गुड इवनिंग डियर फ्रेंड। तो बीसीसीआई ने फाइनली इंडियन टीम का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया जो T20 वर्ल्ड कप में जाएगी। 15 टीम का स्क्वाड है, 4 प्लेयर रिजर्व में है। बात करेंगे ईच एंड एवरी प्लेयर के बारे में और बात करेंगे टीम क्या क्या है। तो मैंने टीम को लिख के रखा है और आपके सामने अनाउंस करता है। इट्स रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसंग, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युगवेंद्र चहल, हर्षदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और शुभम दुबे। ये स्क्वाड कन्फर्म है 15 लोगों की। और बैकअप प्लेयर है सुमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद, आवेज खान। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई, सबसे पहला मेरा रिएक्शन सिर्फ एक ही बंदे पे, हार्दिक पांड्या। अबे साले तुम कौन सा पैर भी लगाए हो, तुम मोदी के रिश्तेदार हो या अमित शाह के रिश्तेदार हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। पहले तो वो कूदी मार के इधर मुंबई इंडियंस में आ गया, अब इंडियन टीम में जगह पक्की बना लिया। हार्दिक पांड्या ने पिछले एक साल में किया ही क्या है जो वो इंडियन टीम में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में अगर बताएं। अगर आप हार्दिक पांड्या के फैन है, पता नहीं कौन है हार्दिक पांड्या के फैन, कौन सा पैर भी लगाया है हार्दिक पांड्या की, नाम ना बैटिंग अच्छी जा रही है ना वो बॉलिंग कर पा रहे हैं आईपीएल में, आईपीएल से पहले वो इंजर्ड रहे हैं, वर्ल्ड कप में भी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया उनका। बस एक ही पिछले दो साल में हार्दिक पांड्या ने बस एक ही परफॉर्मेंस अच्छा दिया था जब एशिया कप में, जब टीम प्रेशर में थी तो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो खेल गए थे और इंडिया को जिताया था। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने कुछ नहीं किया। हार्दिक पांड्या का फैन बेस भी खराब है उनका, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना लोगों को वो होता है कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन है। और हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बना दिया गया भाई, हार्दिक पांड्या इज नेम्ड एज वाइस कैप्टन। आई डोंट थिंक व्हाट इंडियन टीम इज डूइंग विद हार्दिक पांड्या। ऋषभ पंत आ गए, ऋषभ पंत के बारे में लोग बोल रहे हैं, लोग को पर्सनल हमदर्दी है क्योंकि ऋषभ पंत इंजरी से वापस आए हुए हैं। भैया इंजरी छोड़ दो, ऋषभ पंत का वाइट बॉल करियर अच्छा नहीं है, स्पेशली T20 में ऋषभ पंत ने कोई भयानक इनिंग नहीं खेली है। तो आई डोंट थिंक ऋषभ पंत हैज दिस पोजिशन टू गो टू दिस। KL राहुल का नहीं जाना बहुत बड़ा दुखद समाचार है क्योंकि KL राहुल एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, ऋषभ पंत की जगह उन्हें जाना चाहिए था। ख्याल अभी इंडियन टीम में जो ये किया है, इसमें सबसे वीक पॉइंट मुझे क्या लग रही है, सबसे वीक पॉइंट लग रही है ओपनिंग यशस्वी जायसवाल को दिया गया, जो यशस्वी जायसवाल बिल्कुल से फॉर्म में नहीं दिख रहे इस आईपीएल में, शायद तब तक फॉर्म में आ जाए और अच्छा करे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, एक बंदे का डेथ हो गया, उसका नाम है प्रिंस, जो कि सारा अली खान, सारा तेंदुलकर को जो डेड मार रहे थे, लोग सर पे चढ़ा दिए थे प्रिंस बोल के, जिसका नाम था सुमन गिल। अभी प्रिंस से जीरो हो गए, जीरो एकदम से जीरो हो चुके सुमन गिल, उनका पत्ता कट गया, डेटिंग वोटिंग भी खत्म होने वाली है। ये जो यासी वासी कट रहे थे ना, सब हो गया। शायद वो बोलते हैं ना संगत से गुण जात है, संगत से गुण आत है, तो लग रहा है ईशान किशन की दोस्ती में सुमन गिल का भी पत्ता कट गया और सुमन गिल निकल चुके भाई। रिजर्व प्लेयर में दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है आवेश खान। सीरियसली आवेश खान है रिजर्व प्लेयर फॉर वर्ल्ड कप। अभी आवेश खान मतलब उसको भी बंदे को इतना चांस दे रहा है इंडियन टीम, पता नहीं कौन सा पौवा पैर भी आवेश खान लगा के बैठा हुआ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये टीम में सबसे अच्छी बात है कि शुभम दुबे को नाम दिया गया एंड दुबे डिजर्व दिस पोजिशन, उसने परफॉर्म कर करके अपना पोजिशन डिजर्व किया है यहाँ तक आने के लिए, तो थैंक गॉड शुभम दुबे है दिस पोजिशन। सिराज विद दिस करेंट फॉर्म, आई डोंट नो वाई दे हैव टेकन इट। हर्षदीप सिंह, ड्यू टू इंडियन टीम में कोई लेफ्ट हैंड बॉलर नहीं है इसलिए हर्षदीप सिंह को उठा लिया गया। ही ऑल्सो इन द करेंट फॉर्म, करेंट सिचुएशन, ही डजंट डिजर्व अ पोजिशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई डोंट थिंक रिंकू सिंह शुड बी इन रिजर्व स्क्वाड एज वेल। रिंकू सिंह भले परफॉर्मेंस में रहे हैं लेकिन रिंकू सिंह जो इस आईपीएल में ना, उनका प्रदर्शन बिल्कुल खराब रहा है। तो रिंकू पिंकू टिंकू जैसे प्लेयर, एक साल के प्लेयर है, आएंगे जाएंगे। अब तो मैं हूँ, सूर्य कुमार यादव के बारे में बात नहीं किया जाए। सूर्य वेस्ट इंडीज पिचेस एंड सूर्य कुमार यादव, दे दो डजंट गो हैंड इन हैंड। तो वेस्ट इंडीज पिचेस में सूर्य कुमार यादव आपको प्रत्येक फ्लॉप नजर होते हुए आएंगे। सूर्य कुमार यादव मीनू बैसर रहेंगे इस बार फिर से, जो इस बार जिनको पता नहीं, इस बार वर्ल्ड कप जो खेला जा रहा है वो 20 टीम खेल रही है, 4 डिफरेंट ग्रुप है, 5-5 के ग्रुप में टीम को बांटा गया है, 20 डिफरेंट टीम ये वर्ल्ड कप खेल रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप है, इंडिया के साथ इंडिया और पाकिस्तान है, बाकी इंडिया के साथ शायद मुझे लगता है न्यू अमेरिका और आयरलैंड और एक देश है, मतलब एक चिटरपुट देश है, पापा न्यू गिनी ऐसा कुछ देश है। तो ये सब जो छोटे छोटे मोटे देश है ना, इनके लिए सूर्य कुमार यादव को लिया जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव जाएंगे मारेंगे, क्योंकि ये इंडिया का सारा लीग मैचेस खेला जाएगा अमेरिका में, जो सुपर 8 के मैचेस होंगे और फाइनल्स सेमीफाइनल्स होंगे वो होगा वेस्ट इंडीज में, वहीं से टीम की परख पड़ेगी। आपको क्या लगता है कौन अच्छा है कौन बुरा, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो एनीवे बेस्ट लक टू टीम इंडिया और वीडियो में बने रहेंगे। थैंक यू।